हेलो व्यूअर्स, राहुल हियर एंड यू आर वाचिंग राहुल के टिप्स। दोस्तों, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि उनका बड़ा सा घर हो, उनका कार हो, उनका खुद का ड्रीम बाइक हो। और यहीं पे कुछ यूट्यूबर्स या फिर सभी यूट्यूबर्स का ड्रीम होता है कि उनका खुद का DSLR हो, खुद का फ़ोन हो या फिर खुद का स्टूडियो हो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ड्रीम फ़ोन को दिखाने वाला हूँ, जिसको मैंने यूट्यूब के पैसे से परचेज किया था। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना ताकि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने ड्रीम फ़ोन को दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा फ़ोन परचेज किया था यूट्यूब के पैसे से। तो मेरा ड्रीम यहीं तक नहीं था, अभी बहुत से ड्रीम है जिसको पूरा करना बाकी है और बहुत से ड्रीम्स को मैंने पूरा कर भी लिया है, जैसे कि DSLR और रिंग लाइट, खुद का सेटअप और भी बहुत कुछ जो कि मैंने पूरा कर लिया है और बहुत कुछ पूरा करना है, और ये सब आप सभी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया और इस चैनल को इतना प्यार दिया कि हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। तो चलो आपको मैं अपने ड्रीम फोन को दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा ड्रीम फोन, सॉरी ये नहीं रहा, तो मैं मेरा ड्रीम फ़ोन ये है। सो आप देख सकते हो मेरा ड्रीम फ़ोन ये रहा, Realme X2, जिसको मैंने YouTube के पैसे से परचेज किया था। तो ये भी मेरा फ़ोन है जिसको मैं पहले वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करता था और इससे शूट भी करता था, जो भी हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर फेस कैम वीडियो इसी से बनाता था। Redmi का Y2 फ़ोन है। एक बार क्या हुआ कि मैं इससे अपना वीडियो शूट कर रहा था, शूट करके जैसे मैं एडिटिंग कर रहा था काइन मास्टर के ऊपर, बहुत लैग कर रहा था, बहुत, मतलब इससे कुछ हो भी नहीं पा रहा। इससे पहले मैं लावा इरीज नाम का एक फ़ोन आता था, उससे अपना वीडियो एडिट और शूट दोनों करता था। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना स्ट्रगल फेस किया है। तो उसके बाद मैंने लिया Redmi Y2, जिसमें मैंने लगभग में एक साल तक इससे मैंने वीडियो बनाया काइन मास्टर के ऊपर, एडिटिंग भी की। तो इसमें एक साल के बाद मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आने लगी, मेरा वीडियो का साइज भी बढ़ने लगा, तो और आप सभी को क्वालिटी भी देना था, तो इसलिए इसमें जब मैं एडिटिंग करता था तो बहुत लैग देखने को मिलता था, फ़ोन हैंग कर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ़ोन ही हैंग कर गया। तो मैं एकदम परेशान हो गया, अपने दोस्त के पास गया, बोला कि चल फ़ोन लाते हैं। और मतलब मेरा YouTube का पेमेंट भी आया था उस मंथ का, तो मेरे अंदर कुछ पैसे की गर्मी थी, तो आप समझ सकते हो मुझे फ़ोन की ज़रूरत भी थी। तो मैं उसी दिन गया और मार्केट से जाकर Realme X2 लेके आया। उस टाइम ये फ़ोन बहुत ही ट्रेंडिंग फ़ोन था, बहुत ही मतलब प्रीमियम फ़ोन था, Under 20। ओके, तो ये मुझे पड़ा था 19,200 का और ये पूरा का पूरा यूट्यूब के पैसे से है। इस फ़ोन को लेने का एक कारण ये भी था कि उस टाइम में इस फ़ोन के अंदर बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर आता था, स्नैपड्रैगन 730G, जिससे कि मैं अपना वीडियो को एडिट और शूट दोनों बहुत ही ईजिली कर पाता हूँ, बिना किसी लैग के, बिना किसी हैंग के। ऐसा नहीं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, उससे मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो लैपटॉप हाई क्वालिटी का झंडू लैपटॉप है। तो आप समझ सकते हो कि उससे मैं क्यों नहीं एडिटिंग करता। वो सिर्फ काम देता है मूवी देखने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेता हूँ उससे, नहीं तो वो लैपटॉप सारा दिन पड़ा रहता है ऐसे ही। तो आपको उस लैपटॉप को दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा लैपटॉप, आईबाल का है, बहुत ही चीप क्वालिटी का लैपटॉप है। तो ये सिर्फ पड़ा रहता है ऐसे ही टेबल पर, इससे थोड़ा बहुत मूवी देख लेता हूँ, बहुत मज़ा देता है मूवी देख के लिए, बाकी इससे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। तो आने वाले समय में इस सेटअप में आने वाला है गेमिंग लैपटॉप, तो आप बने रहो, बहुत कुछ आएगा इस सेटअप में। ओके, तो इसमें कैमरा भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही तगड़ा वाला कैमरा है, 64 MP का इसका बैक कैमरा है और 32 MP मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि उस टाइम का कितना ट्रेंडिंग फ़ोन था, आज भी बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है Realme X2। आप जाके सर्च करके देख सकते हो। इसको मैंने लिया था 6GB 128GB वेरियंट वाला, और पूरा का पूरा यूट्यूब का पैसा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा यही ड्रीम फ़ोन है, वैसे तो बहुत ही ड्रीम फ़ोन है,
हैं जो कि बहुत ही महंगे महंगे आते हैं। आपको पता ही है कि पैसा हो तो क्या कुछ ड्रीम नहीं बन पाता, सब कुछ पैसा का ही खेल है। सिर्फ पैसा पैसा, हर जगह पैसा, ड्रीम के लिए भी पैसा चाहिए होता है। सो आपको ड्रीम देखना चाहिए, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले काम करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, आपको बस छोटा सा ये वीडियो था, आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद बस यही था कि आप भी कुछ कर पाओ। अगर आपने अपना YouTube चैनल शुरू किया है तो आप उस पर एक डेडिकेशन के साथ वीडियो डालो, आप उस पर एक रेगुलर वीडियो अपलोड करो।